बेटा तुझे तो पता ही है, अब लोगों के घरों में काम करने से घर का गुजारा नहीं चल पाता। अब तू कहीं नौकरी ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करता? तू ही है इस घर की जो जिम्मेदारी समझ सकता है। हेलो हेलो हेलो, या दिस साइड ईशान सानी कॉलिंग फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। या एक्चुअली वी हैव रिसीव्ड योर सीवी फॉर पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, सो मे आई नो व्हेन यू विल कम फॉर योर इंटरव्यू? ओके सर, लोकेशन क्या होगी इंटरव्यू की? या द लोकेशन इज करोलबाग व्हिच इज इन दिल्ली। सो आर यू कंफर्टेबल फॉर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक प्रोसेस? डोमेस्टिक सर। ओके सर, सैलरी क्या होगी? In domestic, they are providing you service starting from 30 to 20 and rest of depend on your interview rounds. Okay, okay, sir. ये बेटा, ये मेरे कुछ जमा किए रुपए हैं, इन्हें साथ लेकर जाओ और मुश्किल रख लो मेरे काम। चलो ठीक है। My name is Kundan. I'm from Rania Sirsa, Haryana. I have done 12. Haryana board. Okay. Are you comfortable in which language, English or Hindi? मैं हिंदी। ओके, मैं आपको हमारी कंपनी का जो क्राइटेरिया है उसके बारे में आपको समझाती हूँ क्या है। हमारी जो कंपनी है वो आपको प्रोवाइड करेगी सैलरी 12 से लेके 15,000 के अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें कि हमारे कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी होंगे। वो रजिस्ट्रेशन जो चार्जेस है उसकी फीस है हमारी 500 रुपये, और उसके साथ साथ में आपको एक दिन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो आपको आपके पहले मंथ की जो सैलरी आएगी उसके अंदर आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। ओके, गिव मी 500 रुपीज़ एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी, बट वो तो फोन पे है, किसी ने बताया नहीं था 500 रुपए के लिए। फोन पर ही आपके जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको फर्स्ट मंथ की सैलरी में से रिफंड कर दिया जाएगा। हाय कंडक्टर,
a directive on call for your telephone number. Okay. Hello? Hello Kundan, good morning. Can you please give me your introduction? Yes sir. My name is Kundan. I am from Rania Sirsa, Haryana. I have done well. Haryana board. Okay, so Kundan, can you please tell me the 5 benefits of Metro? Save the money. Save the time. Air condition. Pollution free. So Kundan, I move to the next question. Can you please tell me what is BPO? Sir, मुझे BPO के बारे में तो नहीं पता. I'm fresher, sir. Okay, that's no problem. Yeah. Yes, sir. Okay, Kundan, that's enough for the interview. So, can you please hand over the phone to my employer now? Okay, sir. Yes, sir. Okay, once we select this boy, you can call him for training from tomorrow. And please provide the joining letter after the training. Yes, sir. Okay, sir. Congratulations, Kundan. आपको सिलेक्ट कर लिया गया है. कल से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट है. आपको कल 2000 रुपये लेकर आने होंगे और जॉइनिंग लेटर जो है आपको वो ट्रेनिंग के बाद प्रोवाइड कर दिया जाएगा. तो सर ट्रेनिंग तो फ्री होती है ना? वो आपको HR ने बताया होगा कि जो आप अमाउंट देंगे वो आपको ट्रेनिंग के बाद जो है वो आपकी फर्स्ट सैलरी में रिफंडेबल हो जाएगी. ओके, अभी आप जा सकते हैं. थैंक यू सो मच. सौ ख्वाब है एक जिंदगी कैसे चुने क्या चाहिए शायद तेरी हाँ ना मिले. गुड मॉर्निंग मैम. वो ना सर ने मुझे कल ट्रेनिंग के लिए बुलाया था. मैम, व्हाट इज बीपीओ? बीपीओ की फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग इनबाउंड आउटबाउंड वेब चैट मेल. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. सर ने मुझे ज्वाइनिंग लेटर के लिए बुलाया. सर अभी अवेलेबल नहीं है. तो सर कब तक अवेलेबल हो जाएंगे? सर कुछ पता नहीं, वो बताएंगे. सर ने ना मुझे ज्वाइनिंग लेटर के लिए बुलाया. सर तो अभी अवेलेबल नहीं है, आप कल आ जाओ. कल? आज आ गए सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. नहीं, वो अभी अवेलेबल नहीं है. मैम, वो कब आया अवेलेबल होगा? वेटिंग्स में गए हैं. या तो मेरे पैसे मुझे वापस दे दो या तो फिर. आपने क्या एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था? मैम ये क्या बात है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था? उसके पीछे वो एप्लीकेशन फिल किया था क्या लिखा था? जी आपने पैसे सबमिट कर लिया, वो रिफंड नहीं है और आपको ज्वाइनिंग लेटर के लिए वेट करना पड़ेगा. अब ये नहीं बता सकते सर कब आएंगे, कब नहीं आएंगे. आएंगे तो आपको फोन करके. कॉन्टेक्ट नंबर है हमारे पास. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. सर ने बुलाया था मुझे आज ज्वाइनिंग लेटर के लिए. ही इज नॉट अवेलेबल, यू विल कम टुमारो. मैम कल आना पड़ेगा. हां कल आ. ओके मैम, थैंक यू सो मच.
तो कब आएंगे सर मैम? मैं 3 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ। उनको कोई आने का टाइम आपको बताया ना, वो भी अवेलेबल नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कब आएंगे। खुद को तुझसे मिलाने चला मैं, अपने दर्दों को कांधों पे लाने चला मैं, चला मैं चलो ना मेरे साथ मैं खड़ा हूँ तेरी राहों में। ऐ खुदा खुद को तुझसे मिलाने चला मैं, खींच खींच के खुद को लो वापस चला मैं, चला मैं चलो ना तेरी चाह में, उठा ले मुझे से मिला दे, या तो मुझको मिटा दे, या मुझे आग कर। तू या तो मुझको सजा दे, या तो मुझको जजा दे, या मुझे मुआफ कर। मैं यूं मुझसे जो मिलने चला हूं, भूलता है क्यों बंदे मैं सब जानता हूं, ये जान तेरी है मेरी, ये रूह तेरी। फेक कंसल्टेंसी, फेक कंसल्टेंसी क्या है ये तो आप इस वीडियो में देख ही चुके हैं। हमारे भारत देश में 5 लाख से भी ज्यादा फेक कंसल्टेंसी कंपनीज हैं। एक कंपनी अगर एक दिन में 5 लोगों को बेवकूफ बनाती है तो सोचिए 5 लाख कंपनियां एक दिन में 25 लाख से भी ज्यादा युवा को इस झमेले में डाल सकती है। ना जाने कितने लोग हर रोज इस फेक कंसल्टेंसी का शिकार हो रहे हैं, कितने हो चुके हैं और कितने आगे हैं। यहाँ कुछ एक्सपीरियंस लोगों पर भरोसा करके दिन में लगभग 1000 उर्दन अपना घर बार छोड़कर शहर को आते हैं। इन फेक कंसल्टेंसी कंपनीज में जरूरतमंद लोगों को झूठे सपने दिखाकर उनसे पैसे हैंड लिए जाते हैं। तो आइए आप और मैं मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि हम आशा की किरण की ओर जाएंगे तो जरूर, मगर आंख बंद करके। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि कल को कोई अपना इस फेक कंसल्टेंसी के दलदल में ना फंसे।